सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। नमस्कार, मैं बलिंद्र कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो की राजनीति पर निशाना साधा। इनेलो की राजनीति पर बोलते हुए जयप्रकाश ने कहा कि SYL के मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन इनेलो का एक राजनीतिक नाटक है। बेबाक बोलने वाले जयप्रकाश ने प्रदेश के सभी राजनीति दलों को जाति, धर्म व मजहब के नाम पर राजनीति न करने की सलाह दी। वहीं प्रदेश भर में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर बोलते हुए जयप्रकाश ने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों की जायज़ मांगों को माने। आइए देखते हैं श्रीजी एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। वैसे तो प्रजातंत्र प्रणाली में चाहे सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं या भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति है, अपने अधिकारों के लिए वो मांग कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है नोटिस दे करके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए और सफाई कर्मचारी की जो मांग है उनको सरकार ने अविलंब मान लेना चाहिए, क्योंकि सफाई के बिना तो कुछ है ही नहीं। और मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जब भारतवर्ष की सरकार का भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत तो जब रहेगा जब हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे। और वो स्वस्थ जब रहेंगे, जब उनको उनका वेतन, उनकी जो मांग है, समस्याएं हैं दूर होंगी, उनको पूरा वेतन मिलेगा। तो इस मामले में मैं कर्मचारियों के साथ। SYL को लेकर एक बार फिर से इनेलो 29 मई को गिरफ्तारियां देने की बात कह रही है, क्या कहेंगे? वो तो इनेलो वाले जाने, उनसे पूछो क्या करेंगे, मत क्या कह सकते। कलायत हलके में अगर विकास की बात की जाए तो पिछले 4 वर्षों में क्या डिमांड्स थी और जिनमें से कुछ अधूरी रह गई हैं, तो मुख्यमंत्री से क्या मांगेंगे जब भी आगे वो दौरा करेंगे? मैं दौरे में मुख्यमंत्री से भी मांगता हूँ और मैं मांगने का, हमारा जो विपक्ष के लोग होते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है विधानसभा, विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं सरकार से, उनके जवाब आते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। और जो मेरी मांगे थी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की मांग थी, वो मैंने असेंबली में भी उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कलायत हल्के के लोगों का है या जयप्रकाश का है या हमारी उन कन्याओं का है जो सरकारी शिक्षा हासिल करने से वंचित रह गई हैं, कि सरकार ने तो कह दिया कि यदि कपिलमुनि शिक्षा समिति अनकंडीशनल रेजुलेशन डाल के दे देंगी तो हम उसको सरकारी बना देंगे, टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन आज कपिलमुनि शिक्षा समिति की जो मैनेजमेंट है वही अभी तक लिख के नहीं दे रही, कभी इफ लगा देती है, कभी बट लगा देती है, उसमें मैं दोषी मानूंगा कपिलमुनि शिक्षा समिति के लोगों। मुख्यमंत्री का रोड शो जारी है पूरे हरियाणा प्रदेश में और रात्रि ठहराव भाजपा नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हो आप? देखो, ठहराव को तो मैं किमें मानता नहीं, जात पात मजहब धर्म ये आदमी के हृदय और दिमाग से लगी हुई चीजें हैं, बात तो ना हृदय किसी को दिखता ना दिमाग किसी को दिखता। तो अगर जाति पाति के खिलाफ, जैसे वो कहते भाई दलित के घर में खाना खाया, खाओ, अच्छी बात, मैं तो उस समाज में पैदा हुआ हूँ, हमारा और दलित का या बैकवर्ड का हमारा तो वैसे ही, हम तो किसान हैं, आपस में मिलकर कलेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी, हम तो इकट्ठे मिलकर के खेती करते हैं, हम इकट्ठे मिलकर के गाँव में रहते हैं, हम इकट्ठे मिलकर के सामाजिक हमारे संबंध हैं। मैं वो अच्छा है अगर ये दूरी दूर कर लें अमीर की गरीब की, तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ। जयप्रकाश में तो दूरी पहले नहीं थी, चाहे कोई दलित है, हरिजन है, बैकवर्ड है या सवर्ण है, मैं तो सबको समान समझता। कर्नाटका में लोकतंत्र की हत्या होने से बच गई, ये कहना है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, और कांग्रेस कह रही है कि संविधान की जो धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा था वो भी बच गया, तो इस कथन में आप कांग्रेस के साथ हो या बीजेपी के साथ? मैं तो कोई के साथ नहीं, दोनों को रहा हूँ, आजाद हूँ, इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सर, प्रदेश की राजनीति में बड़ा सवाल है कि दोनों पार्टियों को रहा है ना मैंने जी, बस भी तो सर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सवाल है कि जयप्रकाश अगली बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या कहेंगे इसको? मैं केवल कलायत से लड़ूंगा, और ये कुछ लोग हैं जो राजनीति से हताश हैं, बोला नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मेहनत की, संघर्ष की, त्याग की, राजनीति करते नहीं, विजन है नहीं, वैसे कौन नहीं को नेता बनाएगा? तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। कि मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं जयप्रकाश
वहाँ से लड़ेगा, जयप्रकाश वहाँ से लड़ेगा। भैया मैंने कहीं बाहर से चुनाव लड़ना होता तो मैं कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ता? कांग्रेस को मैंने इसलिए छोड़ा ना, कांग्रेस ने मुझे कलायत को कलायत में टिकट नहीं दिया। मैं तो केवल कलायत लड़ूंगा, कलायत छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कलायत से भेदभाव किया जा रहा है विकास कार्यों के मामले में या प्रोजेक्टों के मामले में? नहीं, जो लोगों ने मुझे बताए थे मैंने अपने काम पूरे किए, कुछ काम अधूरे हैं वो मैं सरकार से कराऊंगा, क्योंकि मेरा एक अधिकार है। लोगों ने मुझे यहाँ से विधायक चुन करके भेजा है और विधायक के पास संविधान ने ऐसी शक्तियाँ दी हैं, जो विपक्ष का भी विधायक हो, मैं उन विधायकों में से नहीं हूँ जो ये कहने वाला हूँ भैया मैं तो सरकार को कहूँगा, मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ। हमारी रिकमेंडेशन से हरियाणा सरकार ग्रांट देती है और आगे भी देंगी और देनी चाहिए। पहले जो विधायक थे उनकी रिकमेंडेशन से भी ग्रांट मिलती थी, चाहे विपक्ष के थे, लेकिन वो ये कहने के लिए कि मेरी तो सुनता नहीं, मैं विपक्ष में हूँ। खुद के काम तो करवाते थे लेकिन विकास के काम पहले विधायक नहीं करवाते रहे, इसलिए मेरी खुली चुनौती है। जो इस प्रदेश का पहला विधायक, आज का विधायक जो भी है, मेरे से इस मामले में बहस करो। सरकार जनता की होती है, जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति की घर की सरकार नहीं है, डेमोक्रेसी है। जो मेरे इलाके की मांग है मैं असेंबली में रखता हूँ, और सरकार मांग नहीं मानती तो मैं उसको मुस्तैदी से नियम में रह करके, दायरे में रह करके उसको मनवाता हूँ। जो कुछ मांगे बाकी हैं या पूरी करेंगे उनका डट के विरोध करूंगा। असेंबली में विरोध करना चाहिए, यहाँ ड्रामेबाजी की राजनीति जयप्रकाश ने ना कभी करी और ना जयप्रकाश करेगा। जितने भी कार्य हुए हैं, जो धर्मपाल शर्मा है इनके लीडर, वो कह रहे हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा करवाए गए हैं, तो इसको लेकर वो उनका लीडर होगा, मेरा लीडर नहीं है, हल्के का लीडर नहीं है। हल्के तो लीडर मुझे चुना, एमएलए मैं हूँ, काम वही होगा जो एमएलए कहता है, बिना एमएलए कोई काम हो ही नहीं सकता। तो असेंबली में कौन बोलता है? अच्छा है अगर वो कहीं सहारा लगा दे तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। अच्छा है वो कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आए, जो मैं असेंबली में लड़ता हूँ या जो मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता हूँ वो काम तो मैं कराता हूँ। अगर उससे अलग भी धर्मपाल कराए तो मुझे कोई इतराज नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ लोग तो लड़े कराए, मैंने उनका भी इतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं कराए तो फिर मैं क्या करूँ, ये मुझे इतराज है। आज डाक कर्मचारी मिले हैं, पूरा प्रदेश हड़तालिया सरकार के नीचे जो खट्टर सरकार चली हुई है वो बन चुका है, इस नजरिए से देखते हो आए दिनों कर्मचारियों के साथ भेदभाव होते हैं? मैं तो खुद मंत्री रहा हूँ केंद्र में, इन्हीं का दूरसंचार मंत्रालय मेरे पास रहा है। एक इनकी मांग बड़ी जायज है, गांव और शहर की खाई को तो हमें दूर करना है, गरीब की अमीर की खाई को पाटना है। ये नेता लोग केवल राजनीति करने का एक ही धंधा ढूंढ लिया है, जात पात मजहब और धर्म की राजनीति करवा रहे हैं। इसमें कोई एक दल दोषी नहीं है, सब दल दोषी। किस पार्टी की टिकट लेकर आएंगे सर आगे, अगर आपको मौका मिलता है? जो पार्टी देने आएगी उसी की लूंगा।